हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर जो है भैया विलयन, जिसका यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है भैया मोल अंश या मोल प्रभाज किसे कहते हैं, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है। तो भैया इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया मोल अंश या मोल प्रभाज के नाम से भी इसे हम जानते है। यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है, परंतु आपको डेफिनेशन को देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको डेफिनेशन याद ही न करना है तो आपको डेफिनेशन याद हो जाएगा। पहले समझते हैं। तो समझना क्या है कि भैया कोई भी विलयन है, समझिएगा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कोई भी मान लेते हैं विलयन है, ठीक है। तो विलयन के दो मुख्य घटक होते हैं, इसके दो ही घटक होते हैं, एक है विलेय और एक है विलायक। क्या होते हैं भैया इसके दो घटक होते हैं, कौन कौन से? एक है विलेय, एक है विलायक, ठीक है। दो ही मुख्य घटक होते हैं। तो इसमें बताया जाता है कि कोई भी विलयन है और उस विलयन में जो घटक है, तो किसी भी घटक है इन दोनों में से किसी भी घटक का यदि हमें मूल प्रभाज ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं विलेय का मूल प्रभाज हमें ज्ञात करना है, तो विलेय के जो मूलों की संख्या होगी, विलेय के मोलों की जो संख्या होगी, या मान लेते हैं विलायक का हमें ज्ञात करना है, तो विलायक के जो मोलों की संख्या होगी तो समझिएगा, मतलब हमने कहा कि कोई भी विलयन है और उस विलयन के दो घटक होते हैं, एक है विलेय एक है विलायक। तो विलेय के यदि हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है, तो विलेय के जो मोलों की संख्या होगी, या मान लेते हैं विलायक का ज्ञात करना है मोल प्रभाज, तो विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या, समझिएगा, हम यहाँ पे कह रहे हैं कुल मोलों की संख्या का अनुपात जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं भैया मोल प्रभाज कहते हैं या मोल अंश। मतलब हमने क्या कहा कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं भैया मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। अब आपको समझना यह है कि भैया विलयन है तो विलयन के दो मुख्य घटक है। मान लेते हैं कि विलेय का हमें मोलों की संख्या, मतलब विलेय का मोल प्रभाज चाहिए, मतलब विलेय जो घटक है इसका मोल प्रभाज हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल में विलेय का जो मोलों की संख्या होगी उसको हम ले लेंगे, और उसके बाद जो कुल मोलों की संख्या होगी, तो कुल मोल किसका होगा भैया, तो जो विलयन होगा इसका ही तो कुल मोल, मतलब विलेय का जो मोल, विलयन का जो मोलों की संख्या होगा ना, मोलों की जो संख्या होगा यही तो कुल मोल होगा ना, क्योंकि भैया विलयन का ही तो दो घटक होते हैं विलेय और विलायक। तो इन दोनों के जो मोलों की संख्या जोड़ देंगे, दोनों के मोलों की संख्या को, तो हमें कुल मोल निकल जाएंगे। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि विलयन का क्या मोलों की संख्या, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी विलयन के घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं, कह सकते हैं ना इस प्रकार भी। तो आपको जिस प्रकार मन करे उस प्रकार आप कहिए, या तो आप कह दीजिए कि किसी विलयन के घटक का मोल प्रभाज उस विलेय के उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं, या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी विलयन के घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन का मोलों की संख्या का अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, इसलिए हमने लिखा है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है। मतलब मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। कुल मोलों की संख्या कह दीजिए, या सिंपल में कह दीजिए कि विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो इस प्रकार भी आप कह सकते हैं। तो आशा करते हैं कि डेफिनेशन आपको डिटेल में समझाया गया है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और भी अच्छे से हमें समझ में तब आएगा भैया जब इसका हम फॉर्मूला देखेंगे तब। तो चलिए हम इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। तो भैया याद रखेंगे, मान लेते हैं कि इसके दो ही घटक होते हैं, हम जानते हैं कि विलयन के दो घटक होते हैं, तो मान लेते हैं कि भैया विलेय जो है
है विलय का मूल प्रभाज चाहिए, तो हम लिखेंगे विलय का मूल प्रभाज, मूल प्रभाज कहें या अंश कहें, ठीक है। तो विलय का मूल प्रभाज यदि हमें ज्ञात करना है तो विलय का हम मूल देखेंगे, विलय का मूल मतलब विलय का मूल है या मूलों की जो संख्या है उसे भाग किससे हम दे देंगे, तो भैया विलयन के मूलों की संख्या से, जो विलयन होते हैं ना, विलयन के मूल, विलयन के कुल मूल हम लिख सकते हैं, कुल मूल लिखें या मूल भी लिख सकते हैं भैया, विलयन के कुल मूल लिखें या मूल लिखें, बात दोनों एक ही है। तो हमने क्या कहा कि यदि आपको मान लेते हैं विलय का मूल प्रभाज चाहिए, तो विलय के मूल से विलयन के कुल मूल से भाग दे देंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको याद रखना है, ये जो फॉर्मूला है इसको, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा एक और मान लेते हैं कि भैया विलायक का यदि मूल प्रभाज ज्ञात करना है, विलायक का, ठीक है, विलायक का मूल प्रभाज कहें या मूल अंश कहें, ठीक है। तो यदि इसका हमें ज्ञात करना है तो सिंपल वे में हम विलायक का मूल लेंगे, विलायक का मूल लेंगे, अब भाग दे देंगे किससे भैया, तो हम भाग दे देंगे विलय के कुल मूल से, विलयन के कुल मूल से। तो आशा करते हैं कि यदि आप भाग दे देते हैं तो आपको अच्छे से जो क्या होगा आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ये दोनों ही किसके हैं, मूल प्रभाज का ही फॉर्मूला है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज एक और आपको याद रखना है भैया कि जो विलय का मूल जो होता है ना, विलय का मूल जो होता है प्लस विलायक का मूल जो होता है, इन दोनों का योग जो होता है वो एक होता है। इसको भी याद रखेंगे कि विलय का जो मूल होता है और विलायक का जो मूल होता है, इनका जब योग करेंगे तो जो मिलेगा वो एक होता है, एक के बराबर होता है। तो आशा करते हैं कि आपको विलय और विलायक जो क्या होते हैं, मूल प्रभाज होते हैं, वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा यदि आपको समझ में आया है, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।